अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट पाट होंगे। और आ गए एक और पबजी की फ्रेंडली वीडियो लेके सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। और मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि आज अल्हम्दुलिल्लाह मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, जो कि मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, बहुत ज़्यादा बड़ी बात है मेरे लिए। आज मेरे 100 सब्सक्राइबर पूरे हो गए। और मज़े की बात यह है कि जब मैं इस वीडियो को एडिट कर रहा था ना, तब नहीं थे, लेकिन जब वॉइस ओवर कर रहा हूँ तो 5 मिनट के अंदर एक सब्सक्राइबर और हो गया और 100 सब्सक्राइबर कंप्लीट हुआ है। तो किस्सा मुख्तसर करते हैं। सबसे पहले आप जो जो मेरे सब्सक्राइबर है ऑलरेडी, जिसने करा हुआ है शुरू से या पिछली वीडियो से ही करा है, तो उन्होंने एक बात नोट की होगी कि मेरे सब्सक्राइबर पर घंटे का बटन ऑन नहीं होता। तो उसकी सेटिंग में जब बिल्कुल मतलब यूट्यूब का चैनल बनाया था, तो उसमें एक ऑप्शन था जिसको मैंने गलती से ऑन कर दिया था, तो वो था किड कंटेंट का, तो वो मैंने गलती से ऑन कर दिया। इस वजह से मेरा मतलब सब्सक्राइब हो जाएगा चैनल, लेकिन जो घंटे का बटन होगा वो ऑन नहीं होगा। तो प्लीज़ मेरा चैनल वापस से अनसब्सक्राइब करो। और फिर जब आप दोबारा प्लीज़ अनसब्सक्राइब करने के बाद, मैं खुद कह रहा हूँ कि अनसब्सक्राइब करो, लेकिन दोबारा सब्सक्राइब हो जाएगा। फिर जैसे ही दोबारा सब्सक्राइब करो, घंटे का बटन भी ऑन हो जाएगा, फिर आप घंटा दबा देना ताकि मेरी आपको लेटेस्ट वीडियो एट अ टाइम मिल सके। हम जा रहे थे मिलिट्री बेस, और यहाँ आज बहुत कम बंदे आए थे और ज़्यादातर बहुत ही थे। तो पहले मैं जा रहा था ऑफिस, लेकिन वहाँ पहले ही बंदा उतर गया, तो पागल बेवकूफ़ी हुई थी। तो मैं सी बिल्डिंग का आया और अब मैंने पूरी सी बिल्डिंग छान मारी, तो मुझे ये वो मिला, ठीक है। फिर हम वहीं छुप गए जहाँ हम अक्सर छुपते हैं, जो हमारी सबसे पसंदीदा जगह है मिलिट्री बेस की सी बिल्डिंग में, जो सबसे अच्छी गेट के पीछे होता है। तो यहाँ आप छुप जाओ, यहाँ आपको कोई नहीं ढूंढ सकता, बस यहाँ आपको आप असाइन ढूंढ पाएगा, ठीक है। बंदा ऊपर था, वो आया नीचे, डर देखे चले गया। वो सामने वाले बॉट से डर रहा है, मैं उससे डर रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो ठीक है, इनको हमने मार दिया। यहाँ ये हो रहा था कि मेरा, मैंने आपको बताया कि मेरा जो एक है ना उसके आर में बैठी, तो बार बार उपयोग हो जाता, तो बस वही दो तीन बंदे थे, एक बॉट आ गया था। फिर पूरे लोगों पर कोई नहीं था, पूरे के पूरे ब्रिज पे कोई नहीं था, मेल्टा पे कोई नहीं था, मतलब पता नहीं क्या हो रहा था, बंदे मिल ही नहीं रहे थे, बहुत मुश्किल से मिले, इन कंपाउंड पे नहीं था। जब मैं आगे जा रहा था तो फिर मुझे आगे वाले, फिर मैं ड्रॉप पर जाता था सिंपली, तो अगर ड्रॉप पे चलते बंदे तो वहीं मिल जाएंगे। लेकिन जब मैं यहाँ गया तो यहाँ मैं रुक रहा था, लेकिन जब दो गाड़ियाँ देखी मैंने और एक गाड़ी चल रही है, तो मैं मुड़ गया, बोला अभी नहीं, पहले हम जाएंगे सामने, वहाँ जाके हम थोड़ा जायज़ा लेंगे शहर के हाल का, और फिर हम देखेंगे हम क्या कर सकते हैं। तो मैं सिंपली यहाँ आ गया, यहाँ मुझे लगा था, मुझे जब मैं बाइक पे था तो मुझे लगा यहाँ पे अच्छा मुझे एंगल मिल जाएगा, लेकिन कोई एंगल ही नहीं था, यहाँ सब पत्ते पत्ते दिख रहे थे दरख्त, मतलब कोई चांस ही नहीं था, मैं मार ही नहीं सकता था उसको। तो फिर मैं जब आगे आया एंगल में, तो मुझे आई एक बग्गी की आवाज़। ये बग्गी वाला किल फील्ड में बार बार आया जा रहा था, और उसने जहाँ तक मुझे याद है उसने 12 या 13 बंदे मारे, और इसकी मौत मेरे हाथों लिखी हुई थी अल्हम्दुलिल्लाह। मतलब ना मलकुल मौत से मिलाने का जो जिम्मेदारी थी वो मेरी थी। इससे ये आया, इसने पता नहीं क्यों पर ऐसे पी फाड़ दिया होगा कि बंदा ऊपर होगा, ऐसे कैसे बंदा यहाँ है सर जी, क्या हो गया। बंदा वहाँ पे था, एक बहुत गणित का हमने एग्जैक्ट जायज़ा लेके बम फेंका और फट गया। मज़े की बात ये, ग्रेनेड भी फटा और बंदा भी फटा। और उससे अच्छी बात है कि इस बंदे के पास ओम थी, और वाकई लग रहा था कि इसने 12 जो बंदे मारे ना, वो ढूंढ ढूंढ के मारे होंगे, मतलब बहुत सही किस्म का, ठीक ठीक किस्म के मारे होंगे इसने। उसके बाद अच्छी बात ये थी, मुझे कैंटेड स्कोप मिल गया यहाँ से, जो मैं 6x और कैंटेड M4 पे लगाता हूँ, और ओम मिल जाए तो बेहतरीन चीज़ है। और फिर मुझे यहाँ पे ओम भी मिल गई, मतलब सब चीज़ें मतलब भाई के ना हिसाब किताब से जा रही हैं, तो चिकन डिनर तो होना ही था फिर अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जब हम यहाँ ले थे, तो सामने से मुझे बार बार शॉट आ रहा था, यहाँ एक बड़ी फनी सी सीन हो जाएगा, ये देखो ये क्या हो रहा है, मेरी हंसी कंट्रोल नहीं हो रही थी, उसको मैं मार देता, लेकिन मैं हंस रहा था तो वजह हाथ चल गया, और फिर वो नहीं बच सका उस वक्त, पर इस वक्त गया। थंबनेल भी ये आएगा, मतलब बहुत सही सीन हो गया था, ये क्या हुआ। फिर हम जोन के बिल्कुल कोने 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 से आ गए जोन के अंदर, क्योंकि जोन मेरे पे नहीं था तो मुझे जोन में आना था। और फिर हम जा रहे थे ऊपर, अब हम जाएंगे ऊपर, ऊपर जाके हमने कवर ले लिया, 3 ही बंदे बचे हैं। अब मुझे आएगा शॉट्स, पहले मैं देख रहा था यार पीछे से कोई ना आ जाए, लेकिन अब बस क्लियर था कि तीन जो सामने 3 घर हैं ना, बंदे अब वहीं हैं, तो जो भी अब वहीं पे होगा।
वो बंदा उसको मार रहा था, एम मैंने भी उस पर रखा था, भी देखा इस बंदे को, लेकिन शॉट देख रहे उसके भी लग रहे हैं, लेकिन बेचारा वो मरा जोन से ही। वाह मोदी जी वाह। जब भी तीन बंदे बचते मैं बिल्कुल उनसे फाइट लेता, मैं बस उन दो बंदों को नज़र में रखता हूँ कि वो बंदे हैं कहाँ कहाँ, फिर जब दो बचेंगे जब मारेंगे ताकि मज़ा ज़्यादा आए। फिर मैं इस बंदे को पीक ले रहा था, अब 80% मैच मेरे हक में आ चुका है, क्योंकि जोन में मैं हूँ, जोन में वो नहीं है, मुझे उसकी लोकेशन पता, उसको मेरी लोकेशन नहीं पता, क्योंकि कौन ऐसे चूहे की तरह नहीं चूहा टक्कर के भागता है, वैसे मुझे भागता हुआ नज़र आया कि जा रहा। लेकिन एक ब्लाइंड शॉट हमने उसको मारा, जो घास के बीच में से गोली तराती हुई उसको लगी, और लेकिन जब मैं लेट गया तो मैं बच गया वरना मर जाता। वो फिर हम आगे यहाँ पे ताकि हम अब हम करें हील और उस बंदे को मिल जाए टाइम, वो आएगा मेरे पास। मतलब ना अब हम दोनों ही बंदे ना एक दूसरे से डर रहे थे, और बहुत डर रहे थे। कैसे डर रहे थे कि वो बंदा मतलब मेरे मुंह पे खड़ा है, लेकिन ड्रेस की वजह से मुझे नहीं पता वो कहाँ है। मैं उस बंदे के मुंह पे खड़ा हूँ लेकिन उसको ही लोकेशन नहीं पता कि मैं पत्थर के बीच में शेक के अंदर हूँ, शेक के बाहर हूँ, मैं कहाँ हूँ। मतलब हम दोनों फंसे हैं अभी एक तरीके से। कितनी रह गई? हाँ ठीक है, दरअसल मेरा पंखा बहुत जिज की आवाज़ करता है ना, तो पंखा बंद करा, गर्मी बहुत लग रही है। बहरहाल फिर अब मतलब नेट अब किसी को मुंह दिखाई में तो देने ही नहीं है, ठीक है यही फाड़ रहे थे। फिर हमने नेट सारे फेंक दिए, वॉली भी थी, और ना मैं मेरा ये है कि मेरे पास एक स्टन ग्रेनेड होता है ऑटोमेटिक, जो उठाता है ऑटो लोड पे, एक स्टन ग्रेनेड, दो मॉली, तीन स्मोक, चार नेड, तो बहुत मतलब सही जगह होते हैं, कभी कभार काम भी आते हैं, ये काम आते हैं। बंदे ने हल्की सी पीक दिखाई, शॉट दिए, पर बेचारा बच गया, कोई मसला ही नहीं है। अभी ये शायद नेड करेगा एक, मतलब अगर ये कुक करके नेट करता ना तो मैं मर जाता शायद, इसने मैं कर दिया बातों बातों में, भूल गया मैं, ये करेगा अब, ये पता नहीं नेट करेगा या नहीं, मुझे तो इसमें थोड़ा सोचने दो। नहीं शायद इसने वो नेट कर दिया, शायद कर दिया। अब मॉली बची थी मेरे पास, अगर ये वो नेट वीडियो में पीछे देखो ना तो वो नेट करा था इसने, अगर कोई कुक करके करता ना तो मैं मर जाता, लेकिन नहीं करा और ये बेचारा मर गया। तो बस आज का यही मतलब ये गेम प्ले ऐसा लगा हुआ कोई बस सामने पराठा रखा हो, बड़ा बेहतरीन था, पर चाय नहीं तो सूखा सूखा खाना पड़ा है, तो इस मतलब सूखा सूखा गेम प्ले चिकन डिनर तो हो गया, लेकिन खास मज़ा नहीं आया। पर आज के लिए वीडियो अच्छी बहुत सही थी, तो बस सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, जैसा आप लोगों ने सपोर्ट देखा आप लोगों का बहुत बहुत शुक्र, आपकी ही वजह से मुझे इतनी खुशी हो रही है, क्योंकि आपकी वजह से मैं मेरे सब्सक्राइबर हैं, मैं हूँ। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़, मिलेंगे अगले वीडियो में।